पानी बालों की जान होता है। सर्दियां आ चुकी हैं, बहुत सारी लड़कियों को पता नहीं है कि किस पानी के साथ उनको अपने हेयर वॉश करने चाहिए, तो ठंडे पानी में वॉश करना चाहिए। वैसे तो ठंडा मतलब कि जो रूम टेम्परेचर होता है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को इश्यू हो जाता है कि सर्दियों में ठंड लग जाती है अगर वो नॉर्मल पानी के साथ हेयर वॉश करती हैं। तो एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आपको क्या करना है, बकेट में आप पानी भरते हैं ना, तो इतना हाँ पानी आपको लेना है ठंडा, और इतना हाँ पानी आपको उसके अंदर गर्म डाल देना है, मतलब कि वो हल्का सा गुनगुना सा हो जाएगा। अगर उससे आप हेयर वॉश करेंगे ना, तो आपके हेयर में कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही आपको ठंड लगेगी। तो इस तरह से आप सर्दियों में अपने बालों को धो सकते हैं, इस तरह से पानी को, दोनों पानी को मिक्स करके। और सर्दियाँ आ चुकी हैं, बहुत सारी लड़कियाँ क्या करती हैं कि पानी पीना छोड़ देती हैं। वैसे भी हमें याद नहीं होता है, क्योंकि सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है। तो इस तरह की कोई बोतल आपके पास पड़ी होगी, तो बोतल आपको भर के रख लेनी है पास में, और दिन में कम से कम 3 बोतल आपको ये पीनी है। ये नहीं है कि आप एक ही बार में पूरी बोतल फिनिश कर देंगे, आपको एक बोतल कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट में ही ख़त्म करनी है, या फिर एक घंटे में। एकदम से पानी आपको नहीं पीना है, वो उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं देगा जितना कि उसे देना चाहिए। ये थी पानी की बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज मैं एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी, जैसे कि सर्दियां आते ही हमारे जो बाल हैं वो ड्राई डैमेज हो जाते हैं, या फिर जिन लड़कियों के वैसे भी रफ टफ बाल हैं, तो कैसे वो अपने बालों में मॉइस्चर लेके आ सकते हैं, कैसे आप अपने बालों को स्मूथ शाइनी सिल्की बना सकते हैं। बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको मेथी दाना का यूज करना चाहिए अगर आप हेयर ग्रोथ चाहते हैं अपने बालों में। तो ये मेथी दाना है, मेथी दाना का यूज आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से करने जा रहे हैं। तो मैंने बहुत बार बताया है कि आपको मेथी दाना लगाना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके बालों के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैटी एसिड्स, वाइटमिन, मिनरल्स होते हैं जो आपकी फोलिकल्स को रिपेयर करने में और आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कच्चा भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको किसी भी मतलब कि टमाटर प्याज कट करके सैलेड बना के भी आप इसको उसके अंदर डाल के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाएंगे ना, जिन लड़कियों को इश्यू होता है कि उनकी जो अपर बॉडी पार्ट है वो छोटा है, तो कैसे आप बड़ा बना सकते हैं, तो इसे खाइए ना आप। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो आपका अपर बॉडी पार्ट भी धीरे धीरे करके सही शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा। खैर, आज हम हेयर की बात करने वाले हैं, लेकिन मेरा हमेशा ये होता है कि जितनी मुझे नॉलेज है एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में, मैं वो सारी आप लोगों को दे पाऊँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। तो आपको लेना है अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग मेथी दाना, और उसको पानी के अंदर डाल के फूल भर के कप जितना भी आप लेते हैं, और आप उसको रात भर के लिए भिगो के छोड़ दीजिएगा। और हाँ, बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि आपने कौन सी लिपस्टिक लगाई है, आज आपको मेरा लिप कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैंने बिल्कुल ही लाइट लिपस्टिक लगाई है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि कौन सी, तो मैंने यहाँ पे लगाई है रेवलॉन की प्लम्पिंग लिप क्रीम। एक्चुअली लिपस्टिक नहीं है, ना ही इंक है, ये क्रीम है जो कुछ इस तरह की प्यारी सी क्यूट सी पैकेजिंग में आता है। और इसमें मेरा जो शेड है वो है आलमंड शेप है 515। ओके, तो बहुत ही अच्छी है ये आपके, अगर आपके लिप्स थोड़े से पतले हैं तो आप इसको अगर लगाते हैं, तो इसको लगाने से आपके लिप्स थोड़े से प्लम्पी बहुत ही प्यारे, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेंगे। अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो बेस्ट लिप कलर हो सकता है ये आपके लिप्स के लिए। और आप देख सकते हैं, देखिए है ना, अच्छा लग रहा है ना, तो बिल्कुल प्यारा सा, सिंपल सा, अट्रैक्टिव सा लुक ये आपको देगा। ठीक है, तो हाँ, हम हमारी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे आप उसको सुबह में देखेंगे तो आपको है ना फुला हुआ मिलेगा वो, तो उसका पानी आपको अलग कर लेना है और मेथी दाना आपको अलग कर लेना है। तो पानी का भी यूज मैं बताऊंगी और मेथी दाने का यूज आपको कैसे करना है। आपको फ्रेश वाला एलोवेरा जेल लेके आना है, पैकिंग वाला नहीं लेंगे, उसका जेल निकालना है और उसको मिक्सर जार में डाल देना है। फिर हमारा जो मेथी दाना जो बन के तैयार हो गया, सॉफ्ट हो गया, उसको उसके अंदर डाल देना है, उसको घुमा लेना है और एक प्यासा पेस्ट बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस पेस्ट में कितनी चिकनाई है, और जितनी इसके अंदर चिकनाई है उतना ही ये आपके डैमेज्ड बालों को रिपेयर करेगा, आपके बालों को स्मूथ बनाएगा और आपके बालों को शाइनी भी बनाएगा। आपके बाल एकदम से मैनेजेबल लगेंगे अगर आप ये वाला हेयर पैक लगाते हैं। तो लगाना पहले हम शुरुआत करते हैं पानी से, और ये आपको लगातार 15 दिन तक यूज करना है। जो ये पानी है ना, ये आपको रात में सोने से पहले अपने बालों पे इसका स्प्रे करके सोना है। हो सके तो आप इसके अंदर 1 या 2 चम्मच एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, जो काफी बेनिफिशियल होगा आपके बालों के लिए। तो इस पानी को आपको लगातार 15 दिन तक बिना बीच में स्किप किए हर रोज रात को अपनी स्कैल्प पे लगा के सोना है।
इससे क्या होगा, आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी, आपके हेयर मोटे बनेंगे और आपके हेयर घने बनेंगे। जो लड़कियां मेरे पास हर रोज कमेंट्स करती हैं ना कि घने बनाने हैं मोटे बनाने हैं तो कैसे करें, तो एक बार मेरे कहने पे मुझ पे विश्वास करके ये पानी 15 दिन तक अपनी स्कैल्प पे लगाएंगे। अगर आप घर में रह रहे हैं तो, अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको क्या करना है, सैटरडे वाला दिन मिलता है और संडे वाला दिन आपको मिलता है ना, सैटरडे रात में लगाएंगे, संडे रात में लगाएंगे और मंडे को जब आप जाते हैं तो आप शैम्पू कर देंगे, ठीक है ना। ये पानी, अब पैक की बात करते हैं कि पैक आपको किस तरह से यूज करना है। ये हमारा पैक है ना, तो आप इसमें चाहे तो आप अपना मनपसंद कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पैक को आपको अपने बालों की जड़ों से लेके और आपकी पूरी हेयर लेंथ तक बड़े अच्छे से लगा लेना है, ठीक है ना। साथ में पानी भी लगाएंगे रात को और सुबह आपको ये वाला पैक भी लगाना है। पानी हर रोज यूज करना है, पैक आपको वीक में 3 या 2 या 3 टाइम यूज करना है, क्योंकि अगर आप 4 टाइम वीक में 5 टाइम हेयर वॉश करते हैं, सर्दियों में नेचुरल मॉइस्चराइजर आपका उड़ जाएगा और आपके ब्रिकेज की प्रॉब्लम आएगी और बहुत आपके बाल डैमेज हो जाएंगे। वैसे भी गर्मियां हो या सर्दियां हो, वीक में सिर्फ 2 या 3 टाइम आपको हेयर वॉश करने चाहिए। मेरे इतने लंबे बाल हैं, हालांकि फिर भी मैं सिर्फ वीक में 2 टाइम ही अपने हेयर वॉश करती हूँ। तो ये जो पैक है बता दिया है मैंने, और इसको लगाने के बाद जब आप इस पेस्ट को बनाएंगे ना, तो ये थोड़ा सा मोटी मोटी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, बिल्कुल ब्रीक नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप ब्रीक कर देंगे तो आपके बालों में फंस जाएगा और फिर आप बोलेंगे यार जी मेरे बालों में फंस गया मैं क्या करूं, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आएंगे। तो हल्का सा मोटा मोटा सा रखना है, और एलोवेरा के साथ अगर आप इसको लगाते हैं, एलोवेरा का और मेथी का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा हो जाता है और आपके बालों में एक्स्ट्रा स्मूथनिंग आपके बालों में आ जाती है, ठीक है ना। तो इसे अच्छे से लगाना है और इसको भी यूज करना है लगातार 15 दिन आप दोनों चीजों को यूज करेंगे, और यूज करने के बाद आपका जो भी फीडबैक होता है वो मेरे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको अपना अपर बॉडी पार्ट इनहेंस करना है तो इसे जरूर खाइएगा, जरूर कंज्यूम कीजिएगा। आप पानी को भी पी सकते हैं, अगर इसे नहीं खा सकते हैं तो पानी आप पी सकते हैं। और लगाने के साथ साथ मैं तो ये बोलूंगी जो पानी बच जाता है उसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा और पी लीजिएगा, 15 दिन लगा भी लीजिएगा और पैक भी लगा लीजिएगा। मैं आपको 200% लिख के दे सकती हूँ कि अगर आप खाएंगे, लगाएंगे, पैक लगाएंगे तो 100% 15 दिन के अंदर अंदर आपकी हेयर ग्रोथ होगी ही होगी, ओके? और ये था आज का वीडियो, प्यारा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ प्यार से अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।